कहना है क्या? रेशम को सालों को हमने कतरन बनते देखा है, बड़े बड़े वृक्षों को हमने ईंधन बनते देखा है। ये बात क्या बात? रेशम के सालों को हमने कतरन बनते देखा है, बड़े बड़े वृक्षों को हमने ईंधन बनते देखा है। और जिन रिश्ते नातों की खातिर बाकी कभी भूले भूले फिरते थे, मित्र उन्हीं अपनों को मैंने दुश्मन बनते थे। क्या बात है? बांधा जी बोले बांधा जी बांध निधि भाई, ये स्वतंत्र गीत गा रहा हूँ। बिल्कुल इसका आप जवाब न लिखें, कोई बात ना, 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 ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही जवाब ऐसा आया है कि अब दोबारा हम लोग जवाब नहीं मांगेंगे। कोई बात नहीं बेटे, तभी किशोर है। बेटी बचाओ अभियान बस नारा बन के गूंज रहा, अपना ही लहू बाहर है अब कितने सस्ते प्राण होंगे। बेटी बचाओ अभियान चल रहा है लेकिन लोग बाग अपनी गर्भ में ही उनको मार रहे हैं, तो कितने सस्ते प्राण हुए। जबकि आखिरकार ये बेटियां होती कैसी हैं? कैसी गुरु कैसी होती हैं बेटियां? जब बेटी घर से पैदा हो जाती है तब पता चलता है बेटियां कैसी हैं। सीखो समझो, माता को भी समझ में आ जाता है कि हाँ क्या काम है, क्या काम करना पड़ता है, बेटियां कितनी काम करती हैं, ये माता को समझ में आ जाता है। और क्या गुरु, बेटियां माता पिता की परी होती हैं, जबकि बेटे माता पिता के पारा होते हैं, उन्हें देखकर तुरंत माता पिता का पारा बढ़ जाता है। ज्ञान बोलता है विद्वान है, बहुत कानपुर से जो आई महानगर से, तो कहना है
बेटियां
संख्या कम हो रही है। गाने के माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ सवाल को कि कातिल बनो ना बेटी बचाओ, कन्या को भोजन घर में देवी का रूप इसे पूजो पुजाओ, का रूप इसे पूजी और पुजाइए। बिल्कुल माता को प्यारी हो जाना, माताओं को तो पुत्र ज्यादा प्यार होता है ना, सही है। बेटी को भी आप चाहे लूले से या लंगड़े से, यानी बेटी देखनी नहीं जाती है ना, लेकिन किसी के भी साथ अगर विवाह कर दो तो ये कुछ ऐसी बेटी संकोची होती है जो कह नहीं पाती, कुछ नहीं कह पाती। ये हमारे संस्कार है, ये संस्कार हमको माता पिता से अपने पिता माँ को समर्पित हो जाती है कि हमारे लिए जो भी करेंगे भला ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। सही बात है। तो उसी के साथ भी तैयार हो जाती, चाहे उम्र में साल बड़ा क्यों ना हो, ये मन में सब माँ बाप के ऊपर छोड़ देती है, ये माँ बाप की मर्जी है और कुछ ऊपर वाले की मर्जी है, यानी इसीलिए तो कहना पड़ा होती है।
बाकी भैया ने दिखाया, बड़ी सीलवान होती है, बड़ी धैर्यवान होती है, केवल दो लाइन सुन लीजिएगा। बाकी भैया मात पिता की मर्जी से जाती बेटियां, लेकिन मैं दो रूप दिखा रहा हूं, सुनिएगा। मातु पिता की मर्जी से जाती है, और जब ससुराल में पहुंच जाती है तो सास ससुर की मर्जी से आती होती है, लेकिन बेटियां ऐसी भी होती है कि लड़ाकू विमान भी चला रही है। और क्या, और झांसी की रानी क्या बेटी नहीं थी? सुनिएगा, एक वो भी बेटी है, इस पहलू को आप छोड़ रहे हैं। सुनिएगा, झांसी की रानी करेगी क्या? कि झांसी की रानी पहले पढ़ी थी, और उसके बाद किस्मत का खेल देखो लड़ाई लड़ी थी, किस्मत का खेल देखो लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी, जिस हाथ में कलम थी उस हाथ में तलवार पकड़नी पड़ी। तो बेटी, बेटियां इस प्रकार की भी होती है जो देश की रक्षा करती है। बेटियां बुद्धिमान होती है, क्या बात है, बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां
लीजिए एक गीत और लिया भैया ने छोटा सा सुनिएगा।